हे गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि थीम फॉरेस्ट से कैसे आपको गाइस थीम को आपको बाय करना है। तो गाइस, आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे गाइस आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने ये वाले थीम यहाँ पे बाय किया हुआ, एंड यहाँ पे डाउनलोड पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड के लिए क्या गाइस आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद गाइज हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में गाइज यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे गाइज, ये मेरी वेबसाइट है, एंड गाइज मैंने इस पे ये वाली थीम को यहाँ पे डाला हुआ है। तो आपको दिखा भी देता हूँ गाइज, मैं इस पे क्लिक करूंगा, एंड क्लिक करने के बाद गाइज ये वाली थीम, जैसे ये थीम है वैसे ही थीम गाइज आपको यहाँ पे शो करेगी। तो गाइज मैं यहाँ पे लाइव प्रीव्यू में जाऊंगा, एंड इस पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ से गाइज आप देख पा रहे हैं, मैं इस नीचे स्क्रॉल करूंगा, एंड गाइज जैसे आप देख पा रहे कि ये वाली, ठीक है, मैं इस पे क्लिक करूंगा, एंड क्लिक करने के बाद गाइज ये सेम जैसे गाइज वेबसाइट में आपको शो करा वैसे ही थीम गाइज आपको यहाँ पे भी दिखेगा। ठीक है, तो ये जैसे ओपन हो गया तो आप देख पा रहे गाइस सेम थीम कलर एंड सेम स्ट्रक्चर गाइस आपको यहाँ पे शो करेगा। तो जैसे गाइस आप देख पा रहे, ये वाली थीम है, ये थीम आपको शो करे, एंड यहाँ पे भी गाइस आपको सेम थीम दिख रही है। तो ये वाली थीम मैंने यहाँ पे बाय किया था, एंड गाइस मैंने यहाँ पे वेबसाइट पे लगाया हुआ है, तो आप देख पा रहे सेम है। तो आपको क्या करना है गाइस, सबसे पहले आपको गूगल में आना है, एंड गूगल में आने के बाद गाइस आपको यहाँ पे सर्च कर देना है थीम फॉरेस्ट। जैसे गाइस आप थीम फॉरेस्ट सर्च करोगे, तो सर्च करने के बाद गाइस इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को आपको ओपन करना होगा। ठीक है, ये वाली वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको क्या करना गाइस, आपको यहां पे शो कर रहा है वर्डप्रेस। अगर आपके वर्डप्रेस वेबसाइट है तो आपको गाइस यहां पे वर्डप्रेस पे क्लिक करके आपको यहां पे वर्डप्रेस थीम को ही करना होगा। और अगर आपके एचटीएमएल वेबसाइट है तो आपको एचटीएमएल वेबसाइट गाइस यहां पे मिल जाता है। तो हमारे पास अभी वर्डप्रेस वेबसाइट है, तो हम वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए थीम एंड टेम्पलेट को गाइस हम यहां पे परचेज करेंगे। तो आपको यहां पे जिसमें जिस फील्ड में भी आपका है, जिस जो कैटेगरी आपकी है, उस कैटेगरी के हिसाब से ही गाइस आपको यहां पे थीम को बाय करना होगा। तो फॉर एग्जांपल गाइस, अगर मेरी एजुकेशन की वेबसाइट है तो आपको यहां पे एजुकेशन पे क्लिक करना है, एंड एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी थीम होंगी वो गाइज आपको यहां पे शो करेंगे, एंड उनका प्राइस भी गाइज आपका यहां पे शो करेगा। और यहां पे गाइज जैसे आप देख पा रहे, अगर आपका कोई थीम आपको नाम याद है तो गाइज आप सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे गाइज मेरी ये वाली थीम थी, मैंने यहां पे सर्च किया हुआ था। तो फॉर एग्जांपल गाइज, अगर आपको ये वाली थीम बाय करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस पे गाइज आपको क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पे प्रीव्यू में देखना होगा कि जिस थीम को आप बाय कर रहे हैं, जिस थीम को आप परचेज कर रहे हैं, क्या वो थीम मेरे लिए यहाँ पे सूटेबल है या नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लाइव प्रीव्यू पे गाइज आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इनका नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाता है। एंड नेक्स्ट स्टेप ओपन होने के बाद गाइज, अब आपकी थीम, अगर आप अपनी वेबसाइट को बनाओगे या इस थीम को आप अपलोड करोगे, तो आपकी वेबसाइट गाइज इस तरह का दिखेगा। तो ये चीज़ें गाइज आपको पहले देखनी होगी, तब जाके गैज आपको थीम को बाय करना होगा। तो इस थीम को परचेज करने के बाद गैज आपको ये जो आपको टेम्पलेट दिखा दे रहे, ये टेम्पलेट भी आपको मिल जाते हैं। ये सारे टेम्पलेट गैज आपको मिल जाते हैं, यानी कि आपको यहाँ पे जो पसंद आएगा टेम्पलेट, उस हिसाब से गैज आप वेबसाइट को बना सकते हैं। तो गैज हम यहाँ पे एक टेम्पलेट को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे मुझे ये वाले टेम्पलेट चाहिए, तो आपको ये सारे टेम्पलेट मिलेंगे गैज अगर आप इस थीम को परचेज करोगे। जो भी टेम्पलेट आपको शो कर रहे, ये सारे गैज आपको मिलेंगे। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पे ये वाला टेम्पलेट ओपन हो जाता है। अब आपको गाइस शो कर रहा है कि हमें ये वाले टेम्पलेट, अगर हम ये वाले टेम्पलेट लगाएंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर गाइस आपकी वेबसाइट का यहाँ पे बन जाता है। और भी गाइस यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें गाइस आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो आपको गाइस ये वाले थीम अगर आपको बाय करना है, तो आपको क्या करना, पहले आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे देखना होगा, उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको दिखाए बाय नाउ करके, आपको गाइस यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। एंड बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे गाइस लॉग इन करना होगा, साइन अप आपको पहले करना होगा। आप देख पा रही गाइस, मैंने यहाँ पे पहले से लॉग इन किया हुआ, एंड इसलिए यहाँ पे साइन आउट करके शो कर रहा है। तो आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड डाल के गाइस आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं, एंड डायरेक्टली आप गूगल से भी गाइस यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। तो उसके बाद गाइस आप देख पा रहे कि यहाँ पे मेरी बिलिंग एड्रेस मैंने पहले ही डाला हुआ, तो आपको साइन अप करके सब चीज़ें आपको डालनी होगी। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे सिलेक्ट पेमेंट मेथड, तो आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना, आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। एंड उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि उनकी हैंडलिंग फीस भी होती है, वो आपको $2 हो रहा है, एंड उनका यहाँ पे GST, तो टोटल गाइस आपको पड़ा $79.93। और ये सब चीजें डालने के बाद गाइस आपको यहाँ पे पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद गाइस आपको OTP आएगा, OTP को आपको डालना होगा, एंड जिस हिसाब से गाइस डॉलर चल रहा होगा उस हिसाब से आपके अकाउंट से गाइस यहाँ पे पैसे कट जाएंगे। एंड उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे थीम बाय हो जाती है, एंड उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे शो करेगा। अब कैसे शो करेगा वो भी गाइस मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना है यहाँ पे, मैं इस पे जाता हूँ, एंड जैसे गाइस आप परचेज कर लेंगे, परचेज करने के बाद गाइस आपको इस तरह का यहाँ पे शो करेगा। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है, और ये सारे लाइसेंस वगैरह, ऑल फाइल्स डॉक्यूमेंट्स, ये गाइस आपको यहाँ पे डाउनलोड कर देना है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो क्लिक करने के बाद गाइस आपको दिखा दे रहा है कि यहाँ पे डाउनलोड होने लग गया। इस पे मैंने क्लिक करूंगा तो ये भी गाइस यहाँ पे डाउनलोड होने लग गया। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो गाइस ये सारे यहाँ पे डाउनलोड होने लग जाएगा। अब गाइस बात आती है कि कैसे आपको अपनी वेबसाइट में अपलोड करना है। तो आपको क्या करना है, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाना है, एंड डैशबोर्ड में आने के बाद गाइस आपको यहाँ पे शो करेगा थीम।
तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले इसमें जाके आपको थीम पे जाना है, एंड थीम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड थीम पे आपको क्लिक करना, एंड क्लिक करने के बाद आपको ब्राउजर पे क्लिक करना है, एंड उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे जहाँ पे आपने अपने थीम को अभी डाउनलोड किया, जहाँ पे आपने थीम को परचेज करके डाउनलोड किया, वहाँ पे गाइज आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैंने ये पे क्लिक किया एंड ये वाला मैंने सेलेक्ट कर दिया, ओपन पे क्लिक करना, एंड गाइज यहाँ पे आ गया। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। गाइज आप देख पा रहे हैं मैं पहले यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ, इसलिए गाइज मैं यहाँ पे दोबारा इंस्टॉल नहीं करूंगा। एंड जैसे गाइज आपके इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद गाइज आपको जो जो प्लगइन यहाँ पे रिक्वायर्ड के लिए आएगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको टॉप में, वो प्लगइन आपको गाइज यहाँ पे सारे इंस्टॉल करना होगा। एंड उसके बाद गाइज आप यहाँ पे कस्टमाइज एंड अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। तो उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे पेजेस में आपको जाना है, ऑल पेजेस में आपको जाना है, एंड ऑल पेज में जाने के बाद गाइज आपकी वेबसाइट में जो भी डिजाइन होंगे वो सारे पेजेस गाइस आपको यहां पे शो करेंगे। तो आपको मैं दिखा देता हूं गाइस, जैसे आप यहां पे देख पा रहे कौन सी वेबसाइट थी, ये वाली वेबसाइट थी, ठीक है। तो मैं क्या करूं गाइस, यहां पे जैसे आप देख पा रहे, तो यहां पे जैसे गाइस मैंने अभी यहां पे ये वाली वेबसाइट थी, जैसे होम पेज ये वन है, ठीक है। तो मैं इसको क्लिक करूंगा, यहां पे ओपन करूंगा, एंड ओपन करने के बाद गाइस जैसे वहां पे टेम्पलेट थे, तो वैसे यहां पे होम वन, होम टू, होम थ्री के टेम्पलेट है, तो ये टेम्पलेट गाइस आपको यहां पे शो कर रहा है। तो उसके बाद गाइस आप इस टेम्पलेट को एडिट करके, डिजाइन करके, यहां पे कंटेंट इमेजेस को चेंज करके अपनी वेबसाइट को गाइस कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप कि गाइस आप लोगों के समझ में आ गया होगा कैसे करके हमने आज यहाँ पे थीम फॉरेस्ट से गाइस यहाँ पे थीम को परचेज किया, एंड उसके बाद अपनी वेबसाइट में गाइस यहाँ पे अपलोड किया। तो आपको गाइस यहाँ पे थीम को परचेज करके अपनी वेबसाइट में थीम को अपलोड कर देना है, टेम्पलेट को अपलोड कर देना है, एंड उसके बाद गाइस आपको अपनी वेबसाइट को अच्छे से डिजाइन करना है। तो गाइस अगर आपका कोई भी डाउट है या आपकी थीम यहाँ पे अपलोड नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड इंस्टाग्राम पे जाकर भी गाइस आप हमें मैसेज एंड फॉलो कर सकते हैं। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड गाइस फिर मिलेंगे हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस आपको अपना ध्यान रखना है। जय हिंद, वंदे मातरम।